हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, दो तीन टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा था, और फाइनली जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल अपडेट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्राप्त नहीं होता है तो मैं कोई जानकारी दे पाने में असमर्थ होता हूँ। ठीक है, आप लोगों के द्वारा जो बार बार पूछा जा रहा था कि क्या है गेस्ट का मामला, क्यों उनको वेटेज मिलना चाहिए, क्या वो लोग रेगुलर हो सकते हैं, क्यों उनको इस जो प्रोसेस है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उससे प्रॉब्लम है, और बहाली को में क्या उनको नुकसान होगा, ठीक है, और क्या फ़ायदा होगा, और तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है कि गेस्ट के रिगार्डिंग क्या हाई कोर्ट का जो 2018 का जजमेंट था, ठीक है, और उसका कितना बड़ा असर वो लोग इस एग्ज़ाम पे लाना चाहते हैं, इसके बारे में आज पूरा ऑफिशियल अपडेट के साथ बात करेंगे। और ये भी आपको मैं जानकारी दूंगा कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है इतना डिले क्यों हो रहा है, अब तक स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किया गया और रिजल्ट में डिले होने का कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि ये जो श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो एक कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था, उसके आधार पे आप लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा सुनील कुमार भारती बनाम बिहार राज्य एवं इंद्रजीत प्रसाद एवं बनाम बिहार राज्य सरकार पारित न्यायादेश के आलोक में वर्ष 2016 एवं 17 में अनुमोदित पुराने पैनल को पुनर्जीवित करते हुए इस पैनल की अवधि को आदेश निर्गत की तिथि से 11 माह के लिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई भी रिन्यूअल होता है वो 11 माह के लिए होता है, 12 माह के लिए नहीं होता है। अगर 12 माह के लिए होता है तो फिर से वो नेक्स्ट ईयर में प्रोसीड कर जाता है, इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो 11 माह के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए 11 माह यानी कि 2018 अंतिम तक के लिए आपको पूर्व व्यावसायिक अनुदेशकों की मतलब इंस्ट्रक्टरों की नियमित नियुक्ति हो जाती है तो उस अवधि के लिए निर्धारित की जाती है, यानी कि उनका एक्सटेंशन 11 महीने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छा कदम था, और उस आदेश से हाईकोर्ट के उस आदेश से वो लोग 2017 से लेके आज 18 19 20 21 22 23 लगभग 6 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, और इस बीच में कोई सा भी ना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या कोई रेगुलर वैकेंसी आई। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ, आप चाहे 6 साल किए हो या 60 साल किए हो या 12 साल किए हो या 20 साल किए हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका कहना जेन्युइन था, और आप लोग जो भी गेस्ट वाले लोग हैं जो नियमित वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी को अड़चन ला रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं दूसरे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, तो और ये भविष्य उसमें आप भी शामिल हैं। ठीक है, जितने लोगों का CBT क्वालिफाई हो गया है, जो CTI किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे बार बार जो मीटिंग कर रहे हैं, आप ही लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से एक हर्डल है और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। अब उस कोर्ट के आदेश को देखते हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना के द्वारा जारी किया गया है, उसको देख लीजिए, सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है वो कोर्ट केस। तो ये आपका कोर्ट केस, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपका कोर्ट केस है, ये कोर्ट केस है, आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका ये कोर्ट केस है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, इन द हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एट पटना सिविल रिट ज्यूडिक्शन केस नंबर है
21657 ऑफ 2018 मतलब 18 में जब ये केस फाइल किया गया था, 17 में आप लोगों ने देखा कि 17 तक इनका था और 18 तक इनका एक्सटेंशन किया गया। तो इनके द्वारा जब इन ये हटाए जा रहे थे तो उस समय इनके द्वारा केस जो किया गया उस वो देख लीजिए क्या है, जजमेंट हाई कोर्ट पटना का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ऑल द पिटिशनर्स इन अफोरसेट व रिट पिटिशन वर आर एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर डेटेड 11/5/2018 यानी 11 मई 2018 को कंटेंड इन द मेमो नंबर 949 इशूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना वेयर बाय टेकिंग नोट ऑफ द जनरल कंप्लीमेंट ऑफ पीपल रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज इन द अपॉइंटमेंट पार्ट ऑफ पार्ट टाइम गेस्ट इंस्ट्रक्टर पिटिशनर देयर अपॉइंटमेंट वॉज कैंसिल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि 2018 के बाद और उनका जो भी था उनका प्रोसेस मतलब कि वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन फिर भी और ये भी कहा गया था इस पूरे नोटिफिकेशन में, आप लोग देखिएगा ये जजमेंट है, तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जब तक कोई रेगुलर या कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी नहीं आएगा तब तक वो लोग रहेंगे। लेकिन कहीं पे ये नहीं किया गया था कि आपको रेगुलर कर दिया जाएगा या आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उसके लिए भी एक ये एक हर्डल आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनसे उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अपने स्वार्थ के चक्कर में दूसरे को परेशान करना ये एक, हाँ आप 6 साल काम किए आपको 6 साल का पैसा मिला, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो पूछा गया उस चीज़ को मैं क्लियर किया। और एक चीज़ है जो ये जस्टेबल नहीं है कि कहीं से भी आप लोग एक्सपीरियंस अगर काउंट होता तो आपका ये राइट होता, आप अपना एक्सपीरियंस गेस्ट का हो भी नहीं रहा आपका और तब भी आप इस पेंच को फंसा रहे। तो जो लोग परेशान हो रहे थे जितने लोग उसके उनके बातों को मैं यहाँ पे क्लियर किया हूँ। पता है मुझे बहुत 100% में 10-20% लोगों को प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो सच है वो सच है, ठीक है। तो उसके आधार पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितने लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और CTI किए हैं वो भी लोग कह रहे हैं कि CTI कर लिए तो मुझे ही नौकरी मिलने चाहिए। ये कहाँ लिखा गया है कि अगर आप वो कोर्स कर लिए हैं तो आप ही को नौकरी मिला है? आप एग्जाम्पल देखिए, टीचर्स में टीचर्स एग्जाम में इतने लोग बीएड करते बोल रहे कि नहीं, जब तक नियोजन हो रहा था तो हो गया, लेकिन जैसे ही एग्जाम के प्रोसेस में आए अंडर प्रोसेस में तो क्या वो लोग ऐसा लड़ रहे हैं? आप लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं कि टीचर में बीएड तो वहाँ पे जितने लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं वो लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो क्वालिफाई किए उनका ज्वाइनिंग वाइज तो सेम प्रोसेस है वहाँ पे। तो जिस अगर आप वो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उस एग्जाम्पल को फॉलो भी कीजिए, और जितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनको बधाई, और क्योंकि आपका अगर CTI नहीं भी किए हैं तो आपका चांस बन रहा है, क्योंकि डर उन्हीं को लगता है जो लोग इस रेस से बाहर हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था और इससे बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से हो रहा है, और इस पर एक क्या कहेंगे एक एक ग्रहण, एक शैडो टाइप की शैडो ही आप कह सकते हैं, ग्रहण वाला सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेश यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेश एडवर्टीजमेंट की भी बात हो रही है, तो फ्रेश एडवर्टीजमेंट रेगुलर वैकेंसी का आया, एग्जाम हुआ, प्रोसेस है, तेज़ी से काम हो रहा है, तो इसको होने दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि जितने भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं CTI भी किए हैं और या नॉन CTI किए हैं वो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी है। डिले होने का कारण बस यही है, पटना हाई कोर्ट का जो आदेश नहीं आ पा रहा, इसलिए स्कोर कार्ड भी नहीं, अब तक सब चीज़ लगभग लगभग जहां तक मुझे पता चला है रेडी हो गया है, सब कुछ सही रहा है, तो स्कोर कार्ड को जारी कर दिया जाएगा विद इन 1 वीक में, और आपका काउंसलिंग का प्रोसेस भी
नेक्स्ट 7 to 8 मार्च से, या उसके मतलब कि 8 या 9 मार्च के बाद से कभी भी जारी किया जा सकता है काउंसलिंग का प्रोसेस, और उसको रोक के रखा जाएगा जब तक फाइनली पटना हाई कोर्ट का आदेश जारी ना कर दिया जाए। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, सब चीज़ सही रहा तो आपका मार्च के अंतिम में अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी होने की संभावना है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा आपकी सारा, ताकि सारा आपको ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जी एस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू।